Welcome to video lecture series on strength of material. In this lecture, we are going to start with a new topic, which is actually continuation of temperature stresses. But in this case, we are going to see how to analyze the composite bars and when these bars are placed in, say, parallel to each other, right? So if the bars are placed parallel to each other, how to solve in case of temperature stresses and strain. In previous lectures, we have seen how to solve this, how to calculate the stresses and strain for bars in series, right? In this case, we are going to study how to solve such numericals when the bars are placed parallel. Okay. Now, we will see some basics here. Say for example, if there is a body which is manufactured at say 20 degrees Celsius, and if temperature increases, its length will increase. Okay, if there is no restriction, and this increase in length is called free expansion, which can be calculated by formula alpha TL. We know that. And if this expansion is restricted by the valves, then there will be formation of stresses, and those stresses can be calculated using formula alpha TE. ये हमें पता है. तो यहाँ पे composite structure है जहाँ पे copper और steel दोनों हैं. और पहले केस में अगर आप देखोगे, तो this is the original condition. Okay. Now, when temperature is increased, what will happen? अभी आप यहाँ पे देखो, copper में ज़्यादा expansion हुआ, इतना expansion हुआ, और steel में सिर्फ इतना ही expansion हुआ. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये depend करता है उसके coefficient of thermal expansion पे. Copper का coefficient of thermal expansion और steel का coefficient of thermal expansion अलग-अलग है. और जिसका coefficient of thermal expansion ज़्यादा रहेगा, उसमें ज़्यादा expansion होता है as compared to the lower one. अभी अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखते हैं और लेंथ सेम रखते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज भी सेम रखते हैं, तो भी कॉपर में ज़्यादा एक्सपेंशन होगा एज कम्पेयर टू स्टील. द रीज़न इज वेरी सिंपल, बिकॉज दिस इज अल्फा सी एंड दिस इज अल्फा एस, एंड अल्फा सी इज ग्रेटर देन अल्फा एस. ये आप सॉरी अल्फा सी इज ग्रेटर देन अल्फा एस, ये आपको ध्यान में रखना है कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा फ्री एक्सपेंशन होगा एज कम्पेयर टू द लोअर वन. द सेम केस इज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अगर टेम्परेचर डाउन होता है या टेम्परेचर फॉल होता है, वो केस में कॉन्ट्रैक्शन होगा. लेकिन किसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है उसका कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लोअर वन. ठीक है, तो अभी कॉपर का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ. और एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? अल्फा सी टी एल सी, अल्फा टी एल, राइट. सिमिलरली स्टील के केस में कितना होगा? अल्फा एस टी एल एस. ओके फाइन. अभी ये दोनों इंडिविजुअल है. अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो फिर क्या होता है? अब ये देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू पीपल. वन इज से फॉर एग्जाम्पल राम एंड अनदर वन इज से गोपी. ओके, सो राम की जो स्पीड है भागने की वो ज़्यादा है. ही कैन रन एट 50 km/h. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, एंड गोपी कैन रन एट 30 km/h. ठीक है, अब अगर हमने दोनों को यहाँ पे खड़ा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल राम और गोपी को, और दोनों को भागने को कहा, और अगर हमने 2 मिनट के बाद इनकी पोजीशन देखी, तो 2 मिनट के बाद राम यहाँ पे रहेगा और गोपी यहाँ पे रहेगा. बराबर, राम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इसकी रनिंग की स्पीड ज़्यादा है और गोपी की रनिंग की स्पीड कम है, इसलिए गोपी पीछे है. सेम केस इज विथ कॉपर एंड स्टील. इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन होगा. इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है, यानी इसकी रनिंग की स्पीड कम है, इसलिए इसमें कम एक्सपेंशन होगा. अब ये इंडिविजुअल केस हो गया, यानी दोनों इंडिपेंडेंट है. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने राम और गोपी के दोनों के पैरों एक एक पैर को रस्सी बांध दी, ठीक है, तो क्या होगा? अब राम की स्पीड ज़्यादा है, गोपाल की स्पीड कम है, तो राम क्या करेगा? गोपाल को सॉरी गोपी को खींचने की कोशिश करेगा, आगे खींचने की कोशिश करेगा, राइट. राम विल ट्राई टू पुल गोपी, वेयर एज गोपी विल ट्राई टू पुल राम. गोपी क्या करेगा? राम को पीछे खींचने की कोशिश करेगा और राम गोपी को आगे खींचने की कोशिश करेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया? दोनों के एक एक पैर को रस्सी बांध दी, उनको कंबाइन कर दिया. कंबाइन करने से क्या होगा? राम गोपी को आगे खींचेगा और गोपी राम को
पीछे खींचेगा, और इसलिए ये दोनों 2 मिनट के बाद, जैसे हमने ये कैलकुलेशन कब किए थे, आफ्टर 2 मिनट्स, तो 2 मिनट के बाद राम इंडिविजुअली यहाँ पे था और गोपी यहाँ पे था। अभी 2 मिनट के बाद अगर हमने दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो दोनों कहीं तो भी यहाँ पे रहेंगे, है ना, बीच में रहेंगे, राम के पोजीशन से पीछे और गोपी के पोजीशन से आगे। सेम कंडीशन होती है हमारी टेम्परेचर स्ट्रेसेस में। अब टेम्परेचर स्ट्रेसेस में देखो, ये दोनों पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसका स्पीड ज़्यादा थी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा था इसलिए यहाँ तक पहुँचा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम था इसलिए इसमें इतने एक्सपेंशन हुआ। अब दोनों को, अगर दोनों के पैर हमने बांध दिए, दोनों को कंबाइन कर दिया बिल्कुल ऐसा, अब दोनों एक्सपांड होंगे तो साथ में होंगे, कॉम्प्रेस होंगे तो साथ में होंगे, दोनों की पोजीशन आगे पीछे नहीं होगी, तो वो केस में दोनों बीच में कहीं तो भी, इसके और ये दोनों के बीच में उनका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। सो इतना एक्सपेंशन हुआ, और बाकी का क्या हो गया, ये एक्सपेंशन के साथ क्या होगा, कॉपर क्या करेगा, कॉपर विल ट्राई टू कॉम्प्रेस, क्योंकि हम क्या हो रहा है, गोपाल क्या कर रहा है, राम को पीछे खींच रहा है, राइट, तो उसके वजह से कॉपर में क्या डेवलप होगा, कॉम्प्रेशन, और स्टील में क्या डेवलप होगा, टेंशन, क्योंकि कॉपर की पूरी लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है, कॉपर की इतनी लेंथ ही इंक्रीज हो रही है, राइट, टोटल लेंथ इतनी है और इंक्रीज कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, यानी इतने पोर्शन क्या कर रहे हैं हम, कॉम्प्रेस कर रहे हैं। स्टील के केस में स्टील का एक्चुअल एक्सपेंशन कितना था, इतना, अब कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, यानी इतना पोर्शन को हमने क्या किया, उसको एक्सपांड किया। तो कोई भी चीज़ को हम जब एक्सपांड करते तो उसमें कौन से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, टेंसाइल, और कोई भी चीज़ को हम कॉम्प्रेस करते हैं तो उसमें कौन से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, कॉम्प्रेसिव। तो फाइनली अगर हम ये दोनों को कंबाइन करते हैं, कंपोजिट मटेरियल करते हैं, तो इनका जो फाइनल एक्सपेंशन होगा, विच विल बी बिटवीन, समवेयर बिटवीन फाइनल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर एंड स्टील, और कॉपर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस रहेंगे और स्टील में टेंसाइल स्ट्रेसेस रहेंगे। ये हो गए एक्सपेंशन की केस, इसके अपोजिट रहेंगे कॉन्ट्रैक्शन की केस, ठीक है। अभी हमें सॉल्यूशन फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो अभी ये तो पता है कि दोनों कंबाइन है, यानी राम और गोपाल के पैर को हमने बांध दिया तो दोनों जहाँ पे भी पहुँचेंगे दोनों साथ में पहुँचेंगे, यानी 2 मिनट के बाद उनका जो पोजीशन रहेंगी वो सेम रहेंगी, सेम केस है कॉपर और स्टील में, तो दोनों में जो टोटल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। तो लेट मी राइट डाउन हियर, टोटल एक्सपेंशन इन स्टील इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंशन इन कॉपर, ये तो सही है, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंशन इन स्टील कितना रहेगा, ये फ्री एक्सपेंशन माइनस दिस एक्सपेंशन, राइट, तो फ्री एक्सपेंशन कितना है, यहाँ पे लिखने दीजिए मुझे, सॉरी हम स्टील के बारे में लिख रहे हैं, तो स्टील का फ्री एक्सपेंशन कितना है, अल्फा एस टी एल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा एस टी एल एस, स्टील का एल एस हम लिखते हैं, या दोनों का सेम ही रहेगा तो अभी हम एल एस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्री एक्सपेंशन, बट एक्चुअल एक्सपेंशन कितना हुआ, इतना हुआ, यानी ये एक्सपेंशन प्लस दिस एक्सपेंशन, तो यहाँ पे मुझे प्लस करने दीजिए, प्लस पी एल एस अपॉन ए एस ई एस, ये हो गया फाइनल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू, अब फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर कितना है, इतना है, तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए अल्फा सी टी एल सी, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंशन कितना हो, इतना ही हुआ, तो इतना एक्सपेंशन कम हुआ, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। अभी आपको ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया और यहाँ पे हम माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस इसलिए किया क्योंकि इसका फ्री एक्सपेंशन कम है और एक्चुअल एक्सपेंशन ज़्यादा है, वेयर एज इसका फ्री एक्सपेंशन ज़्यादा है और एक्चुअल एक्सपेंशन कम है, ठीक है। सो माइनस, अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी एल सी अपॉन ए सी ई सी, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्टील में कौन से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टील में टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये टेंसाइल क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा, टेंसाइल इसलिए है क्योंकि इसका एक्चुअल एक्सपेंशन इतना ही था, फ्री एक्सपेंशन एक्चुअल कितना हुआ, इतना हुआ, यानी इतना एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ, वो किसके वजह से हुआ, वो फोर्स के वजह से हुआ जो कॉपर ने उस पर लगाया, टेंसाइल फोर्स, तो इसलिए इसमें टेंसाइल रहेगा और इसमें कॉम्प्रेसर रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो अगर हम रीअरेंज करते हैं तो वी विल गेट अल्फा सी टी
LC minus alpha S T LS is equals to P LC upon AC EC plus P LS upon AS ES. ओके, तो हमने ये रीअरेंज कर लिया. अभी अगर हमें पता है कि दैट एल सी इज इक्वल्स टू एल एस, दोनों की लेंथ कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी, तो ये कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा फाइनली? अल्फा सी टी, और टी भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? तो अगर हम टी कॉमन निकाल लेते हैं तो वी विल गेट टी इन ब्रैकेट अल्फा सी माइनस अल्फा एस इज इक्वल्स टू पी ए सी ई सी प्लस पी ए एस ई एस. इसको ही हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, टी अल्फा सी माइनस अल्फा एस इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए सी मीन्स सिग्मा सी अपॉन ई सी प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन वॉट इज अवेलेबल वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन कॉपर एंड स्टील. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. ओके, इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.